अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे आप सिर्फ अपने आप को शांत करते हैं, मगर ध्यान इतनी मामूली विधि नहीं है। ध्यान एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसके बाद आप अपने जीवन को, अपने जीवन की ऊर्जा को किसी भी दिशा में निर्देशित कर सकते हैं और जो भी आप सोचेंगे वो आप यकीनन पा सकते हैं। ध्यान संपूर्ण होने की, एकाग्र होने की एक असीम शक्ति है। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है वो स्वयं ही दृढ़ निश्चयी हो जाता है, आलस त्याग जाता है और एक खूबसूरत जिंदगी जीने लगता है। उसमें सिर्फ धैर्य ही नहीं, एक शक्ति आ जाती है जिसके बाद वो जो भी चाहता है उसे आसानी से हासिल कर पाता है। तो चलिए ध्यान करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, अपने हाथों को अपनी गोद में रख लें, आंखें बंद कर लें और अब एक लंबी गहरी सांस लें और उसे रोक लें और अब मुंह से सांस छोड़ते जाइए और शरीर को ढीला छोड़ते जाइए उसके साथ साथ। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और उसे रोक लीजिए और मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को और आरामदायक स्थिति में जाने दीजिए, बसने दीजिए, पिघलने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए और इस बार सांस छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं। इनमें स्थित किसी भी तरह का तनाव हो तो उसे ढीला छोड़ दें, अपनी कमर पर ध्यान ले जाएं, अपने पेट, अपने छाती पर ध्यान ले जाएं और इस हिस्से को पूरी तरह से ढीला छोड़ते जाएं। कंधों को नीचे की तरफ गिरने दें, बाहों को, हाथों को हल्का होने दें और गोद में गिरने दें। गर्दन को आरामदायक स्थिति में आने दें। गले में किसी भी तरह का तनाव हो, चाहे ज़्यादा बात करने से या अपनी भावनाएं रोकने से, उसे अब पिघलने दें। माथे को ढीला छोड़ दें, भौं को ढीला छोड़ दें। आँखों को आसानी से अंदर की तरफ देखने दें। दांतों को भींचे नहीं, जबड़े को ढीला छोड़ दें, कानों को ढीला छोड़ दें और अब अपने शरीर में, अपनी चेतना पर ध्यान ले जाएं। देखिए कि ऊर्जा आपके अंदर कहाँ स्थित है, कहाँ पर आपकी अंतरात्मा स्थित है और अब इस अंतरात्मा को महसूस कीजिए कि आपके हृदय में है या आपके गले में या आपके भावों के बीच, आपकी तीसरी आँख में या रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में। जहाँ पर भी आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं उसको अब वहीं पर बड़ा होने दीजिए, एक भीष्म रूप लेने दीजिए, बहुत बड़ा, जिससे कि जो भी रास्ता कुदरत ने आपके लिए तय किया था, आपके असीम रूप के लिए तय किया था, वो अब आपकी नज़रों के सामने आने लगे। उस दिव्य शक्ति ने जिस काम के लिए आपको जन्म दिया था वो अनमोल काम अब आपकी आंखों के सामने आने लगे। आप कितने काबिल इंसान हैं वो काबिलियत अपने आंखों के सामने आने दीजिए। देखिए कि आपकी अंतरात्मा आपको किस तरह से देखती है, कोई भेदभाव नहीं करती, किस तरह से ना आपको बुरा और अच्छा मानती है, केवल आपके असीम रूप को जानती है। अपने बारे में जानी हुई सारी बातों को अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जो भी समाज ने आपको आपके बारे में बताया है उन बातों को पीछे छोड़ दीजिए और आज सिर्फ खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ।
और अब कुछ पल हम इस वचन में ही खोते हुए बिताएंगे। सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर ले जाइए। जानिए कि आप ना ये शरीर है, ना ये दिमाग है, ना ये मन है, तो फिर कौन है आप? अपने आप को सारी दुनिया के भावनाओं से परे होते हुए देखिए। दूसरों ने आपकी क्या परिभाषा दी है, उन सब से हटकर जानने की कोशिश कीजिए, मैं कौन हूँ? अपनी उस अंतरात्मा को अपनी चेतना में मिलने दीजिए। देखिए कितने खूबसूरत रूप से आपने इस दुनिया में जन्म लिया था। उस छोटे बच्चे की आंखों में क्या दृश्य थे, क्या ख्वाब थे, उन्हें देखिए। और उस बच्चे को हम अब बहुत ही प्यार से बताएंगे कि मैं आज से अपने असल रूप से वाकिफ हूँ। अपनी सारी गलतियों के लिए मैं खुद को क्षमा करता हूँ और आज से उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ जिसके लिए मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ है। मेरी अंतरात्मा अब मेरा मार्गदर्शन करती है और मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। इस भावना को अपने अंदर महसूस करें और उस छोटे बच्चे को प्यार से आप जाने दें। अपनी अंतरात्मा को एक भीष्म रूप लेने दें जिससे कि अब हर पल चलते बैठते हुए आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकेंगे और उसे अपना मार्गदर्शन करने देंगे। चेहरे पर एक मुस्कान लाएं, ध्यान दोबारा अपनी सांस पर ले जाएं और इस सारी ऊर्जा को अब अपने अंदर समाते हुए हम आज के दिन में वापस आएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और अब आंखों पे रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए। स्वागत है आपका एक नई जिंदगी में। हर पल अपनी अंतरात्मा से जुड़े रहने के लिए आज आप तैयार हैं।